हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। देश की अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने बचत खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए महानगरों में न्यूनतम जमा राशि की सीमा को 5,000 रुपए से घटाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा की है। बैंक ने कहा है कि उसने मेट्रो और शहरी शाखाओं में बचत खातों में न्यूनतम जमा राशि 3,000 रुपए करने का फैसला किया है। इसके साथ ही बैंक अब नाबालिगों, पेंशनर्स और सब्सिडी के लिए खोले गए अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस का चार्ज वसूल नहीं करेगी। SBI की ओर कहा गया है कि इससे करीब 5 करोड़ अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा। यह निर्णय 1 अक्टूबर से लागू होगा। बैंक के अनुसार शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण शाखाओं में यह सीमा अब क्रमश 3,000 रुपए, 2,000 रुपए और 1,000 रुपए रहेगी। इसके अलावा बैंक ने गैर रख रखाव प्रभार भी 20% से 50% घटा दिया है। बैंक द्वारा जारी बयान में कहा है कि अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभार को 25% 75 रुपए से घटाकर 20% 40 रुपए और शहरी और मेट्रो शहरों में 50% 100 रुपए से घटाकर 30% 50 रुपए कर दिया जाएगा। बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए मासिक औसत बकाया MAB प्रभार भी हटा दिया है। यह प्रधानमंत्री जनधन योजना और मूल बचत खाता जमा खातों के अलावा है। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है, नियमित बचत खाता को मूल बचत खाता में बिना किसी शुल्क के परिवर्तित किया जा सकता है।